गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल डूडल डॉग ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं शालू वर्मा तहे दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का डूडल डॉग ब्लॉग में। सो, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ लैब्राडोर ब्रीड के बारे में, जो कि मेरे पास है एक चॉकलेट कलर की फीमेल लैब्राडोर पपी। सो, मैं बताऊंगी कि लैब्राडोर पपी में क्या क्वालिटी है, पपी को कैसे रखते हैं और कैसे नहीं रखते हैं, क्या दें क्या नहीं दें। सो, आज मैं इस वीडियोस में बताने वाली हूँ। सो, अगर जानना है तो आपको इस वीडियो पे बने रहना पड़ेगा अभी से लेके लास्ट तक। सो, चलिए सो हम लोग देखते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हैं ये लैब्राडोर फीमेल पपी है और क्वालिटी की रही बात तो मैं बता दूँ कि ये चीज़, इसके जो पाउज है ये चौड़े चौड़े मोटे मोटे हैवी होना चाहिए। सो, कैमरा थोड़ा सा पास में लाओ, दिखाओ। देखिए, ये चीज़ थोड़े हैवी होना चाहिए और ये हेड जितना ब्रॉड रहेगा और ये ईयर एकदम ऐसे नीचे की ओर लटके होने चाहिए, जितना लंबा ईयर रहेगा यानी कि वो क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी है। ये हेड जो है, अरे यार बस करो यार, ये दम ब्रॉड होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। और सबसे स्पेशली बात ये है कि इसके टेल जो है यूं नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। देखिए, इसके टेल जो है एकदम स्ट्रेट है और टेल जितना छोटा होगा पपी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और ये फीमेल पपी है, सो देख सकते हैं आप, ये फीमेल है और इसके फेस मजल्स भी देख सकते हैं साइड से, मैं दिखा दूँ आपको, थोड़ा सा जूम करना। कान देखिए, कान कितना लंबा लंबा इसका कान है। सो, यही है ओरिजिनल लैब्राडोर की क्वालिटी की पहचान, जो थोड़ा सा दूर लेके जा सकते हो। और रही बात जो क्वालिटी नहीं रहते, मिक्स ब्रीड रहते हैं, वो एकदम पतले से होंगे, उसका कान एकदम इतना छोटू छोटू सा होगा, किसी का कान ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, मुंह एकदम निकला हो जाएगा, एकदम पतला दुबला, टेल जो है यूं मुड़ा रहेगा। सो, वो मिक्स मिलावट होता है। ये ओरिजिनल लैब्राडोर की यही पहचान है, अभी मैं आपको दिखा दूँ। सो, देखिए गाइस, ये है ओरिजिनल लैब्राडोर पपी। इसके फेस जो है पंच, जितना पंच रहेगा डॉग उतना ही बेस्ट है। और मुंह किसी किसी के निकले होते हैं, सो मुंह नहीं निकला हो तो ज़्यादा बेस्ट है। और सो, ये इसके क्या फीचर्स हैं ये भी मैं आप सभी को बताऊंगी। ये जो डॉग है बहुत ज़्यादा समझदार पपी होता है, लैब्राडोर ब्रीड बहुत ज़्यादा समझदार होता है। और ये तारीफ कर रहे तो उनको प्यार कर रहा है कि मेरी तारीफ हो रही है। बहुत समझदार ब्रीड होता है, इसको ट्रेनिंग दिया जाए तो बहुत जल्दी कैप्चर करता है किसी चीज़ को, किसी बात को। और ये तो अभी इतना छोटा है, ये सेल के लिए है, मेरे पास है 1 वीक से, तो ये सेल के लिए आया हुआ है। ये इतना समझदार है कि सुजू पॉटी भी अपने केज में नहीं करता है, ये मैं बाहर निकालूंगी तभी ये करेगा। और इतने छोटे पपीज को 4 to 5 टाइम हम लोग फीड दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं, मतलब अभी ये 4 टाइम्स हम लोग इसको दे रहे हैं, अभी ये हो चुका है 45 डेज का है ये, तो हम लोग 4 to 5 टाइम्स इसको देते हैं खाना में। अभी ये स्टार्टर खा रहा है रॉयल कैनिन का, और साथ में मैं इसको दही भी देती हूँ, तो अभी ये खा रहा है। कुछ दिन पहले तक मैं इसको सेरेलैक देती थी, अभी सेरेलैक इसका बंद हो चुका है। तो अभी अगर आप भी कोई भी पपी लेकर के जाते हैं तो कम से कम कोशिश कीजिएगा कि 40 डेज के बाद का ही पपी ले तो ज़्यादा सही रहे, उसके पहले पपी जो होता है ना थोड़ा छोटा होता है, अभी ये पूरा खेलता कूदता है दौड़ता है, तो ये 45 डेज से 1-2 दिन ज़्यादा ही है, बट ये कम का नहीं, बहुत प्यारा है, चला जाएगा। तो अपने मम्मी पापा इसके अभी मिले नहीं है, इसके मम्मी पापा मिल जाएंगे तो ये चला जाएगा और हम इसको बहुत मिस करेंगे, ये भी हमको बहुत मिस करेगा। और इतने छोटे पपीज को कभी नहलाते नहीं हैं, कभी भी नहीं नहलाना है। और अगर आपका कुछ क्वेश्चन हो आप लोग की तरफ से तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कमेंट्स बॉक्स में बता दूंगी कि हाँ क्या करना है, या फिर मैं उससे रिलेटेड कुछ वीडियोज़ भी मैं बना दूंगी। सो, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो पपी को लेकर के
तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं पूरा कोशिश करूंगी उस टॉपिक पे कोई वीडियोस बनाने का। तो जहाँ तक मुझे प्रॉपर जो नॉलेज रहता है, मैं उसी पे इस चैनल पे, मेरा नया चैनल है अभी, तो इसमें वही मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप सभी के साथ। सो आज मैंने आपको लैब्राडोर पपी के बारे में बताया है। और रही बात इतने छोटे छोटे बच्चों की, ना नेल्स जो है ना बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, तो ये नेल्स कटिंग नहीं करना है, ठीक है। और ये पूरा प्रॉपर बच्चे की डिवॉर्मिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, अभी वैक्सीनेशन का इसका टाइम नहीं हुआ है, सो अभी मैंने इसकी वैक्सीनेशन नहीं करवाए हैं। सो इसके जब टाइम होगा तो इसको वैक्सीनेशन वगैरह भी लगवा दूंगी, है ना बेटू। सो अभी बहुत मस्ती करता है, बहुत मस्ती करता है। तो फ्रेंड ये सारी इन्फॉर्मेशन थी लैब्राडोर पपी के बारे में। अगर आपको कोई और पपीज के बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। सो मैं पूरा कोशिश करूंगी कि मैं उस टॉपिक पे आप सभी को वीडियोस बना करके अपने चैनल पे डालूं। सो बस इसी तरह से गाइस मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। मैं चैनल पे जो भी डालूंगी, मतलब अपना एक्सपीरियंस का चीज़ डालूंगी, मुझे एक्सपीरियंस जो चीज़ का रहेगा मैं कर चुकी हूँ, जो मुझे प्रॉपर नॉलेज होगा वही मैं इस चैनल पे वीडियो पोस्ट कर लूँगी। सो चलिए थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। और वीडियो कैसा लगा सो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके लव यू गर्ल, लव यू। तो चलिए मैं कल इंडियन स्पीच पपी के बारे में कल मैं वीडियोस डालने वाली हूँ। सो आई होप कि आप सभी को वीडियो कल का भी पसंद आएगा, और आई होप कि आज का भी वीडियो, ये वीडियो भी आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अभी फाइनली मैं स्टोर में हूँ। और ये डॉग केज है, इसके नीचे भी डॉग है, वो मैं कल दिखाऊंगी, आज नहीं। सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, लव यू डॉग्स लवर, आप सभी को भी।